मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने एक शख्स चंद्र प्रकाश पटेल को गोली मार दी। घटना हरदिया पंचायत की है, जहां मृतक के बाइक से घर लौटने के दौरान यह घटना घटी। गोली लगने के बाद घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गुस्सा आए लोगों ने शव को कचहरी चौक पर रखकर आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। मृतक की पत्नी और सरपंच ने बताया कि गांव के दो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पलन जाके जे कहतरन संजय सिंह आए थी, हरिंदर सिंह ये ठोकर लागल बा, कहते जे कहाँ ठोकर लागल बा, तो कहतरन जे बोलू ठोकर लागल बा भैया के, हम कहे कहाँ लागल बा, तो कहतरन जे सदर में, तब जाके देखा तनी हमने के, तो फिर कहतरन फिर जाके पता नहीं बताई ना कहाँ लागल बा ठोकर, कहाँ रखल बा, तो कहतरन जे। नालंदा के सदर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। दरअसल नूरसराय की रहने वाली कल्पना कुमारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ऑपरेशन के दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद ही महिला को जोर से दर्द होने लगा। परिजनों ने डॉक्टर और नर्स से मरीज को दर्द की दवा देने को कहा, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद घर वालों के सामने ही महिला की मौत हो गई। दर्द चिल्लाते रही बेचारी की, दर्द का दवाई दे दीजिए दे दीजिए। 10 बार नर्स का डर, जो नर्स ड्यूटी उसको बुलाए, बोला टाइम होगा तब नहीं देगा, टाइम होगा तब देगा, जब दर्द चिल्ला रहा तभी दे दो, तो कहता 4 बजे फिर दर्द करेगा, 4 बजे के 4 देखा जाएगा, भोर के बाद भोर में देखा जाएगा। तो सही समय पे मतलब इनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, सही ट्रीटमेंट नहीं दिया जो नर्स ड्यूटी कर रही थी, और नर्स और क्या बैठी थी, बरसात गाली भी आता है यहाँ का, सही तरीके से इनका देख बॉर्डर में सलाम मर रहे हैं। खगड़िया में घर में सामान चढ़ाने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शहर के रहीमपुर ढाला के पास एक मकान के ऊपर लोहे का करकट चढ़ाया जा रहा था, इसी दौरान करंट की चपेट में एक मजदूर जयराम सिंह आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना से गुस्सा लोगों ने कहा कि मकान मालिक की लापरवाही के कारण मजदूर की मौत हुई है। पुलिस ने मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दानापुर के पंचशील नगर में अपराधियों ने एक युवक संजय कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक पेशे से सफाईकर्मी था, जो यारपुर का रहने वाला था। इस घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों ने सड़क जाम कर आगजनी की। मौके पर पहुंचे पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम को हटवाया। ये पंचशील नगर के एक निवासी हैं श्री अजीत कुमार। ये अपना टंकी साफ करवाने के लिए तकिया पर से दो स्वीपर को लेकर आए थे, जिसमें से एक शनि कुमार है। ये लेकर के आए और अपना टंकी वगैरह दिखाए, अंदर दरवाज़ा वरवाजा खोलने के लिए गए, इसी बीच एक आवाज़ गोली की आवाज़ इन्होंने सुना, और जब बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि उसमें से जो दो को वो लाए थे